नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो खास करके राकेश टिकैत के बेटे को लेकर। एक ऐसा वाक्या कि अचानक से राकेश टिकैत को छोड़ उनके बेटे ही सड़कों पे आ गए। जरा सुनिए क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इन दिनों राकेश टिकैत वर्सेस जो है उनके बेटे को लेकर योगी सरकार के बीच हमलावर चल रहा है। पूरा मामला आपको समझा देते हैं। राजेश, आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में राजस्थान के भीलवाड़ा में आए शरणदास महाजन का अभी भी धरना जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से आए महंत शरणदास महाराज धरने पर बैठे हैं, जबकि भाकुए का धरना बीते दिवस ही समाप्त हो गया था। आपको ये बताते चलें कि महंत शरणदास महाराज का कहना था कि भाकुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा धुना सच चलवाया था, मगर जाते समय दक्षिण देकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि यह महाराज का अपमान हुआ है। महाराज ने घोषणा कर दी थी कि जब तक भाकुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत धुने पर आकर दक्षिण नहीं देंगे, तब तक यहां से नहीं जाऊंगा। इस बात की जानकारी मिलते ही भाकुए राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने पुत्र चरण सिंह टिकैत को भेजकर महाराज जो है तमाम चीज़ें की। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही राकेश टिकैत ने अपना धरना ख़त्म किया। इसके बेटे भी हालांकि उस धरने में शामिल हुए, लेकिन इसके बावजूद सरकार पे फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार हो। इसकी वजह यही है, राकेश टिकैत को या तो हल्के में लिया जा रहा है या फिर किसानों को ही हल्के में लिया जा रहा है, या फिर जो राकेश टिकैत के बयान है दरअसल वो ही हल्का है। इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि उनको अगर वाकई में सरकार पर दबाव बनाना है तो फिर जो है तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से लखीमपुर में किसानों पर हमला हुआ, इसी तरह से किसानों पर हमला होते ही रहेंगे। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, स्पेन न्यूज़।